हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देख रहे हैं टेक्निकल स्मार्ट एडवाइस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे जो है कि अगर आप क्रोम ब्राउजर से जो है आपका मतलब कि ईमेल आईडी जो है बार बार लॉग आउट हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ काम करने के लिए उसमें लॉग इन करते हैं, जो फिर मान लीजिए कि दोबारा मतलब कि विंडो हटा देते हैं जो है और फिर ओपन करते हैं तो लॉग आउट हो जाता है जो है। ठीक है, तो बस एक छोटी सी आपको जो है सेटिंग करना है जो, ठीक है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में आपको जो है बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करिए, एक छोटा सा वीडियो बनेगा पूरा देखिएगा जो। ठीक है, बस एक छोटा सा सेटिंग करना है, जिसको सेटिंग कर देंगे आप जो है तो उसके बाद से आपका जो है ऑटोमेटिक जो है लॉगआउट जो है नहीं होगा। जब आप खुद आप लॉगआउट अपने मन से करेंगे जो है तभी होगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटा सा वीडियो बनेगा। ये जो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिखाई दे रहा है, इसको जो है दबा दीजिए। उसके बाद घंटी के बटन पर दबा दीजिए, उसके बाद ऑल पर दबा दीजिए। ठीक है, इसे ये फ़ायदा होगा कि मैं इस चैनल पे कोई भी वीडियो डालूँगा, मतलब अपलोड करूँगा, तो उसका मैसेज जो है आपके पास पहुँच जाएगा, उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जान लेते हैं जो है कि अगर आपका गूगल क्रोम से जीमेल आईडी जो है अगर बार बार लॉग आउट हो जाता है, मतलब कि लॉग इन करते हैं जो है वो बाहर निकलते फिर जाते हैं तो लॉग आउट हो जाता है जो है, तो वो कौन सेटिंग है जिसकी गड़बड़ होने की वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसको आप सेट कर लेंगे तो फिर से जो है वो सेव रहेगा जो है। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ से क्रोम जो है ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट पर जो है क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेटिंग में आ जाएंगे जो है। सेटिंग में आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे साइड सेटिंग में जाना है, यहाँ पर साइड सेटिंग में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो है कुकीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, तो देखिए आप में यहाँ पे ये कोई दूसरी सेटिंग होगी जो है, तो यहाँ पे आप अलाउ जो है कुकीज़ पर क्लिक लगा सकते हैं, और या फिर ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ इन इनकॉग्निटो मोड जो है। ठीक है, या फिर क्योंकि अगर कहीं इस दोनों नीचे वाले पर होगा जो है तो आप उठा के जो है या तो पहले वाले पर या फिर दूसरे वाले पर जो है कर सकते हैं जो है, या अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ जो है। देख अलाउ कुकीज़ करेंगे जो है तो सभी की जो है साइट नॉर्मल चलेगी, उसका इन्फॉर्मेशन जो है आपके क्रोम में ब्राउज़र में जो सेव रहेगा जो है। ठीक है, वो लॉग आउट नहीं होगा, उसको देख पाएंगे जो इस्तेमाल कर पाएंगे बाद में भी जो है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि सेकेंड वाले पर कर देते हैं, दूसरे नंबर पर ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ इन इनकॉग्निटो मोड। जैसे कि जब इनकॉग्निटो मोड प्राइवेट मोड में जब आप कुछ ब्राउजिंग करते हैं चलाते हैं साइट जो है, तो वहाँ पर जैसे कि जनरली कि आपका सूचना आप नहीं चाहते हैं कि मतलब कि आपकी सूचना कोई देख पाए या फिर जो है मतलब कि सेव हो जो है। ठीक है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से जो ये कुकीज़ को जो है मतलब सेट कर देंगे जो है, तो उसके बाद से आपका जो है ऑटोमेटिक लॉग आउट होना जो है बंद हो जाएगा जो है। ठीक है, यही सेटिंग है जो है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से चाहे तो लॉग आउट कर सकते हैं, लॉग आउट लॉग इन और रहने दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी जो है। ठीक है, इसी सेटिंग के बारे में जो है बहुत ही आसान है, मुझे लगता है कि आप जो है समझ गए होंगे जो है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर एक और मज़ेदार वीडियो से आपसे मिलेंगे। चलिए, टेक केयर, गुड बाय।